लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर, भारत का वो चैनल जिसने भूमि अधिग्रहण के मामले में सबसे ज्यादा और बेहतर कंटेंट बनाया। आपने देखा, आपकी हजारों की संख्या में हमें कॉल आई, आप लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकीलों के साथ हमने लैंड एक्विजिशन को लेकर 4-5 वीडियो बनाए, जिसके लिंक लगातार इस वीडियो के ऊपर चले हैं। और केसी कौशिक सर के साथ हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको प्राइमरी कानून के बारे में बताया, आपने देखा, अप्रिशिएट किया और आपने कहा कि एक बार हो सके तो केसी कौशिक सर को फिर से लाइए और उनसे ये क्वेश्चन पूछिए। तो आज आपके बीच केसी कौशिक सर दोबारा से आ गए हमारे अनुरोध पर अपना समय निकाल के। तो कौशिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जो श्रोताओं ने कई प्रश्न भेजे हैं, हालांकि वो हजारों की संख्या में, लेकिन हमने कुछ प्रश्नों को छाटा है, कम किया है, और उन प्रश्नों को हम आगे पूछने वाले हैं। केसी कौशिक सर का जो पहला वीडियो आपके पास आया था, आपने देखा, बहुत सराहाया और बहुत लोगों ने देखा, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऊपर लगातार चलता दिख जाएगा। कौशिक सर, लैंड एक्विजिशन के मामले में आप लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए इस अवधि के पीरियड में नए और कानून में बदलाव में एक विशेष टिप्पणी आप सबसे पहले कर दीजिए। देखिए, बेसिक बात है, जो ओल्ड लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का था, उसमें भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया, एक अमेंडमेंट जो लाए वो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 लाए, जो 1 जनवरी 2014 से एप्लीकेबल था। उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो ये थे कि यदि आपने 5 साल के अंतर्गत आपने पोजेशन नहीं लिया है, आपने अवार्ड नहीं दिया है, तो वो नए कानून आने के बाद वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। एक उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि यदि आपने पैसा कोर्ट में नहीं जमा कराया है तो आपका लैंड एक्विजिशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपका स्वतः ही लैप्स हो जाएगा। इसमें क्या होता था कि पहले जो है जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला अधिकारी की पावर लैंड एक्विजिशन के बाद एक्सरसाइज करता है, पैसा उसके यहाँ जमा करा देते, कोर्ट में नहीं जमा कराते थे, तो एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में रख लेते थे। कोर्ट ने जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो जजमेंट आया था उसमें ये स्पेसिफिक कहा था कि यदि आपने पैसा कोर्ट में जमा नहीं कराया है तो आपकी लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स लैप्स हो जाएंगी। और जो 2013 का जो कानून आया था उसमें सबसे बड़ी बात थी, जब आप लैंड एक्वायर करते हैं आपको मार्केट वैल्यू पर देना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले मार्केट वैल्यू पर नहीं देते थे, पहले वो क्या है कि एक एरिया जो होता था उसमें लास्ट जो रजिस्ट्री हुई है उसमें बहुत तरह की भ्रांतियां रहती थी। जो काश्तकार है वो तो कहते थे कि साहब जो हमारा जो वहां पर लास्ट रजिस्ट्री है वो देखनी चाहिए, और सरकार या लैंड एक्विजिशन अफसर जो करते थे वो उसको नहीं मानते थे। तो ये अल्टीमेटली रेफरेंस जाता था एडिशनल डिसीजन के यहाँ, और एडिशनल डिसीजन दोनों साइड की एविडेंस लेने के बाद फिर उसको 99.9% वो कंपल्सरी एनहेंस होता था। अब वो फिर जाके हाई कोर्ट में और एनहेंस होता था, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा अक्सर दिखा गया कि वो एनहेंस ही होता था। तो जो बेसिक कानून को उन्होंने बिल्कुल चेंज ही कर दिया था, जब उसको चेंज किया था तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो जजमेंट आया था जिस 2018 में, उसमें उसको उन्होंने कंफर्म कर दिया था, जो उसकी धारा 24-2 थी उसके माध्यम उन्होंने सारी बात चीजों को मान लिया था। उसके बाद हुआ क्या कि 3 जजेस जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ दूसरा सेट ऑफ पिटिशंस आया, तो उसमें उन्होंने उसको कॉर्डिनेंस बेंच होने के कारण नहीं माना, तो मैटर फाइनली संविधान पीठ हो गया। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, संविधान पीठ में जब मैटर गया तो जस्टिस अरुण मिश्रा ही उसको प्रिजाइड ओवर कर रहे थे, तो ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लगता भी है कि चूंकि 3 जजेस का जो निर्णय आया था वो भी उनका ही निर्णय था, और जब 5 जजेस की जो पीठ थी उसके भी वो उसको भी वही लीड कर रहे थे, वही उन्हीं की अध्यक्षता में वो संविधान पीठ हो रही थी, तो जो उन्होंने 3 जजेस का जो निर्णय था उसी को 5 जजेस ने भी किया। इसका जो अल्टीमेटली इफेक्ट किया आया कि जो नया कानून 2013 आया था उसको
उसको अनसेटल्ड कर दिया, मैं कहूंगा उसको अनसेटल्ड कर दिया, जिससे पब्लिक एंड लार्ज को एक फायदा होने वाला था वो बिल्कुल अनसेटल्ड हो गया। अब ये बात आई जो संविधान पीठ का जो निर्णय है उस निर्णय की रिव्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, अभी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई नहीं हुई है। मेरा ऐसा मानना है यदि क्या खासकर अभी भी विद कंट्रोवर्सी डिले के एप्लीकेशन से अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे तो मुझे ऐसा मुझे मेरा अनुभव 45 साल का ये कहता है कि संविधान पीठ के पास ये मैटर दोबारा रिव्यू की फॉर्म में जाएगा तो या तो ये सेवन जजेस को रेफर हुआ या जो नई संविधान पीठ आएगी वो उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जजमेंट है उसकी जो कुछ पार्ट्स है वो नहीं कंसिडर हुए उसको देख के इसमें रिव्यू में जरूर कास्ट को सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, 6 मार्च 2020 के जजमेंट जो सर बात कह रहे हैं 6 मार्च 2020 का जस्टिस अरुण मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया था, उन्होंने कहा रिव्यू अभी पेंडिंग है आगे होनी है। हम कुछ सवालों पे सर आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। सर मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए मुआवजे के निर्धारण को लेकर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रश्न है, मुआवजे को निर्धारण लेकर कोई नियम कायदा बनाया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कोई नियम कायदा दिया है, और दिया है तो वो क्या है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसमें बड़ी भ्रांति चल रही है कि वो नीड बेसिस पे जजमेंट्स होते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। जो आपका लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होता है वो जितना कम से कम हो सकता है वो देता है, सर्किल रेट को भी कभी कभी इग्नोर कर देता है, सर्किल रेट भी नहीं देता है। दूसरा ये होता है कि यदि उन्होंने किसी ने एक एकड़ की जमीन का कहा है कि साहब एक एकड़ की जमीन का ये रजिस्ट्री हुई है तो उसको नहीं मानते हैं, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट यह होता है कि मैटर अल्टीमेटली जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का जो निर्णय होता है उसके अगेंस्ट रेफरेंस लाई करता है जो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने होता है। जब वो डिस्ट्रिक्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के सामने वो रेफरेंस कोर्ट में जाता है तो रेफरेंस कोर्ट अक्सर जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय है फेयर मार्केट वैल्यू को देखते हुए वो उसको एनहेंस करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। और इसमें प्रैक्टिकली ऐसा है, ये हम नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा यार्ड स्टिक जज बना रखा है या दिया है कि जिससे हम ये कह सकें फेयर मार्केट वैल्यू ये होगी, वो नीड बेस पर चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये एक्सप्लेन नहीं किया कि फेयर मार्केट वैल्यू को डिजाइन कैसे आप करेंगे, कैसे निर्धारण उसका करेंगे। ठीक है सर, हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है। चूंकि नया एक्ट 2013 का अपने आप में रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट को बताता है, सर सबसे पहले तो रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट को कैसे परिभाषित किया गया है, नंबर वन। नंबर दो चीज, अगर कोई व्यक्ति जिसकी जमीन गई है और रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट चाहता है वो क्या होगा, उसका प्रकार क्या होगा, उसका चित्रण क्या होगा सर? देखिए बेसिक बात यह है कि जो 2013 का जो एक्ट आया था उसमें सरकार ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसमें सराहनीय कार्य किया था वो ये किया था कि आप मार्केट वैल्यू पे इसका कंपोजिशन डिसाइड करिए, जिससे जो काश्तकार है जिनकी जमीन जो है ना एक्वायर होती है तो इसमें इस जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है इसमें धारा 24(2) थी, तो धारा 24(2) के हिसाब से मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी और उसमें जो पुरानी प्रोसीडिंग चल रहे थे वो सब कहती लैप्स हो जाएंगी। जब वो लैप्स हो जाएंगी तो जब नई आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे तो जो आज की डेट में मार्केट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। उसमें जो पुराना कानून है मार्केट वैल्यू का कोई विश्लेषण नहीं है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आगे मार्केट वैल्यू ये होगी, ज्यादातर या तो सर्कुलेट या सर्कुलेट से कम दिया जाता था जो काश्तकार को बहुत कम मिलता। जैसा इस एक्ट सर मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि सर्किल रेट अगर 10 है तो मार्केट वैल्यू हमेशा आप जानते हैं 50-60 होती है, वो हमेशा बढ़ के ही होती है। लेकिन एक आम किसान वो कैसे मार्केट वैल्यू का डिटर्मिनेशन करेगा, वो क्या तरीका होगा? जो साधारण हम समझते हैं मार्केट वैल्यू का ये है कि उस विसिनिटी में, मतलब जहां लैंड स्थित है उसकी विसिनिटी में जहां सेल परचेज हो रहा हो तो वो सेल परचेज के ही आधार पर आप करेंगे, am I right sir?
देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस इलाके की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उसके उस वैलिडिटी में जो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो ट्रांजेक्शन जो है ना जो इम्पोर्टेंट है वो उसको डिसाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट होते अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू क्या है। इसमें जो कैच है वो ये है, लैंड एक्विजिशन या लैंड एक्विजिशन ऑफिसर हमेशा कोशिश करते हैं कि साहब यदि मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर की जमीन है या 200 मीटर की जमीन का जो जो है उसको वो इग्नोर कर देते हैं, वो सर्कुलेट पर चले जाते हैं। जबकि काश्कार ये कहता है कि चाहे 200 मीटर है, चाहे 500 मीटर है, चाहे 1000 मीटर है, चाहे 2000 मीटर है, चाहे 5000 मीटर है, जो लास्ट वहां का वहां की रजिस्ट्री है उस बेसिस पे आपको करना चाहिए। इसको आप दूसरे एंगल से देखिए, यदि आपने एक जमीन परचेज की है और आपने 2000 मीटर की मार्केट वैल्यू पे परचेज की है तो आपने सरकार को स्टैंप ड्यूटी भी दी है तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो सही मार्केट वैल्यू नहीं है, हम जो सर्कुलर रेट दे रहे हैं वही वैल्यू है, ये इसमें कैच है। ठीक है अच्छा दो बातें हैं, एक तो बहुत सी जगह सर्कुलर रेट रिवाइज नहीं किया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नोएडा दिल्ली में ही बैठे हों, गुड़गांव में ही बैठे हों, देश तो बहुत बड़ा है और हर जगह लैंड एक्विजिशन हो रहा है तो बहुत सी जगह सर्किल रेट नहीं रिवाइज किए, नंबर वन। नंबर दो चीज ये भी ये फैक्ट है कि प्रैक्टिकल ये देखा जाता है कि चूंकि स्टाम्प ड्यूटी बचानी होती है तो वो सर्किल रेट पर ही परचेज होता है जबकि एक्चुअल जो मूल्य दिया जाता है वो ज़्यादा दिया जाता है। तो खेती धारक कहता है कि साहब सेल परचेज का अगर आप मार्केट इससे सर्किल रेट से लेते हैं तो वो तो निश्चित रूप से कम ही हो जाएगा ना सर। देखिए एक बात हमको सबको समझनी चाहिए कि जब भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होती है पहले धारा 4 होती है, फिर धारा 6 होती है, फिर 16 होती है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में आपको समय लगता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। तो जो सर्कुलेट है मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि एनसीआर को आप छोड़ दीजिए, यदि आप रिमोट में जाएंगे तो सर्कुलेट 10-10 साल चेंज नहीं होते, नहीं हो रहे। ये बेसिकली क्या होता है, जो एटीएम फाइनेंस होता है उसके मातहत एक कमेटी बनती है, वो कमेटी सब चीजों को देखने के बाद सर्कुलेट करती है और वो सर्कुलेट का अपना प्रपोजल, जिसमें सर्कुलेट का अपना प्रपोजल सरकार को भी उसके बेसिस पर सर्कुलेट निर्धारित होता है। मैं काश्कर को भी आपके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक थ्योरी है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, उसको ना करके जो एक्चुअल मार्केट रेट है उस मार्केट रेट पर सेल परचेज करने चाहिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते, और अल्टीमेटली आपको नहीं आपके साथियों को फायदा होगा उससे। हम यदि मार्केट रेट से कम करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में से ये भी प्रोविजन है कि यदि रजिस्ट्री एडीएम फाइनेंस को रेफर हो जाती है तो आप पे 10 टाइम्स तक पेनल्टी भी लगा सकता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को कहना चाहूंगा कभी भी आप मार्केट रेट से कम पे मत परचेज करिए, जो आपका एक्चुअल प्राइस है। यदि आप मान लीजिए 10 लाख की आप जमीन ले रहे हैं, आप सरकार को 1 लाख क्यों नहीं देना चाहते, आप ये समझ लीजिए माइंड सेट है। आप 10 लाख समझिए, 10 लाख 1000 की मेरी मैंने परचेज की है, तब आप जमीन तो 10 लाख की लेने को तैयार है, आप नंबर 2 से कैश देते हैं, नंबर 2 की ट्रांजेक्शन बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अब चूंकि हमको इनकम टैक्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम कर रही है, वो रजिस्ट्री मंगाती है और रजिस्ट्री मंगाने पे यदि रजिस्ट्री में आपकी कम पाई जाती है तो आपके केस इनकम टैक्स में भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आपको एटीएम फाइनेंस की भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आपको एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको मार्केट वैल्यू पे जो एक्चुअल प्राइस पे आप परचेस कर रहे हैं आपको उस पर स्टैंप ड्यूटी देके आपको रजिस्ट्री करानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, अब मेरा अगला चूंकि क्वेश्चन ये होगा कि लैंड के मामले में जब भी एक्विजिशन होता है तो एक डिफॉल्ट अधिकारी अथॉरिटी होती है, वो डीएम की होती है। डीएम के अंदर ही लैंड एक्विजिशन ऑफिसर काम करता है, जब लैंड एक्विजिशन ऑफिसर उसका निर्धारण कराता है एज पर आपके जो लैंड रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड से वो कराता है। मुझे ये बताइए, थोड़ा सा ये हमेशा प्रश्न आता है कि साहब हमारी जमीन तो बहुत अच्छी व्यवसायी है और हम यहाँ तमाम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लैंड में दर्ज रिकॉर्ड में दर्ज है एग्रीकल्चर, तो हमें उसका फायदा कैसे मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 चीज, बहुत बार ऐसा होता है
जैसे गाय भैंस बांधने के लिए बहुत से बड़े अस्तबल बने हैं, या बड़ा प्लेग्राउंड बना है, या बहुत सी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर चल रही है, लेकिन जो निर्धारण हो रहा है वो तो लैंड रिकॉर्ड के माध्यम से हो रहा है, तो इसको इनहेंस कराने की विधि क्या होगी? देखिए, इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। जिस टाइम हम क्या नाम है जो एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड पे हम कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमको हमको जो 143 की कार्रवाई करके अपनी अपनी जो जमीन है उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट करने लानी चाहिए। जब कॉमर्शियल एक्टिविटी कन्वर्ट कराने तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज आ जाएगा। एक बार वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज आता है, जैसे आपने बताया कि आपने पूरा अस्तबल बना दिया, वहां गाय भैंस को करते हैं, आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल पर्पज के लिए देखा जाएगा। और नॉर्मली कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टीज है उसको सरकार को जो राइट है लैंड एक्विजिशन एक्ट के मातहत, उनको एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक्वायर करने का राइट है। आपकी जो प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर है उसको उनको एक्वायर करने का राइट उस हिसाब से नहीं है। तो आपको तो आप यदि जागरूक है तो आपको मदद मिलेगी इसमें, यानी कि अगर आपने लैंड यूज चेंज करा लिया है तभी उस कंडीशन में आपको बेहतर मुआवजा मिलेगा। अदरवाइज वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे साहब आपकी आपका हमारे रिकॉर्ड में तो आपका एग्रीकल्चर रिकॉर्ड है, तो एग्रीकल्चर में जो आपकी खेती हो रही है वो देख लेंगे, मान ली वहां पेड़ लगे तो वो देख लेंगे, वहां पे ट्यूबवेल आपके तो ट्यूबवेल देख लेंगे, लेकिन आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन करी हुई है और रिकॉर्ड में आपका एग्रीकल्चर है तो उससे आपको मदद नहीं मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से सब काश्तकार को ये सलाह है कि आप एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल एक्टिविटी करने जब जा रहे हैं या वह मकान बनाने जा रहे हैं तो आपको अपनी उस एरिया को आपको रेजिडेंशियल में या कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कराना चाहिए और जो फर्द है उसमें आपको फर्द में अपना रिकॉर्ड करा लेना चाहिए। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइए कि ये बड़ा विरोधाभासी है कि जिस डीएम के अंदर काम करने वाला लैंड एक्विजिशन ऑफिसर आपके पैसे आपके खेत का मुआवजा निर्धारण कर रहा है और इसके बाद वही अपील आप डीएम के सामने कर रहे हैं, तो ये अपने आप पे एक बड़ा विरोधाभास है। आप भी जानते हैं कि एक बार निर्धारण होने के बाद डीएम क्या लाख एप्लीकेशन करते रहो, वो सुनता ही नहीं है, ये एक बड़ा साधारण प्रश्न आ रहा है। देखिए, आपके जो सवाल का है इसको दो पार्ट से हमको डिवाइड करना चाहिए। पहली बात जो ये है कि जब लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के मातहत जिला जज को अधिकार दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वार्ड, लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग खुद नहीं करता, वो या तो अपने किसी एडीएम को ऑथराइज करते हैं या एसडीएम को ऑथराइज करते हैं, और एडीएम हो चाहे वो एडीएम ने वो आपका कंपल्सन डिसाइड किया हो एज ए लैंड एक्विजिशन, चाहे आपका एसडीएम ने किया हो चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया हो, उसकी जो रेफरेंस लाई करती है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट जज को लाई करती है, ना कि डीएम को लाई करती है। तो ये भ्रांति है कि लैंड एक्विजिशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जो आपको होगा तो उसकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह जाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं जाती है। जो धारा 18 है उसमें लैंड एक्विजिशन रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट जज किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज खुद सुनते हैं या वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनते हैं। नए कानून के मुताबिक डीएम को प्रतिवेदन और इसके साथ ही लैंड एक्विजिशन जो अथॉरिटी है उसको ही तो चैलेंज करने का नए प्रावधान में दिया हुआ है। नहीं, वो आपकी बात सही है, नॉर्मली जो आप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपने अपने महतैत के अधिकारी के अगेंस्ट वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको कंपल्सरी को एनहेंस नहीं करेंगे। ये कहीं किसी हद तक आपका सही हो सकता है, मैं इसको इसके परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। यदि एक आईटीओ एक असेसमेंट ऑर्डर पास करता है तो नॉर्मली उसकी अपील लाई करती है कमिश्नर अपील्स के यहाँ, तो वही ऑर्डर कमिश्नर अपील्स भी 99.9% कंफर्म करते हैं। तो आपको इसीलिए कहा जाता है जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है वो उसमें आईटीएटी होती है, तो आईटीएटी के जो मैटर जाता है तो वो फर्स्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है, वहां मैटर डिसाइड होता है। इसलिए आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएम से उम्मीद मत करिए, डीएम आपके फेवर में करेगा, उसके आगे की जो प्रोसीडिंग है आपको रिलीफ वहां मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा बताइए, जो एक अक्सर देखा जाता है, हमारे पास भी हजारों की संख्या में लोग कॉल करते हैं, एक्विजिशन हुआ 20 साल पहले 25 साल पहले, गरीब किसान थे, अपने अधिकारों को नहीं जानते थे, या पिता के समय हुआ
पिता निरक्षर थे, दादा निरक्षर थे, वो अपने अधिकारों को नहीं जानते थे, जमीन भी चली गई और पैसा भी नहीं लिया। इस कंडीशन में जब 25-25 साल 30-30 साल का डिले हो जाता है, तो क्या आपका क्या अनुभव, आपका चूंकि 4 दशक से ज़्यादा बड़ा अनुभव है, क्या डिले कंडोनेंस एक बड़ी मेजर समस्या है? और अगर इस कंडीशन में कोई व्यक्ति फंसता है तो अदालतों के सामने वो क्या बात रखे अपनी? देखिए मेरा ये मानना है कि यदि लोअर कोर्ट उनका एक रीजनेबल टाइम है, उस रीजनेबल टाइम पे उसके उनके मैटर का निर्धारण नहीं करते हैं, उनको हाई कोर्ट में बाय वे ऑफ रिट पिटीशन अप्रोच करना चाहिए और वहां से डायरेक्शन सीख करनी चाहिए कि आपको इस मैटर को टाइम में डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि मेरी रोटी रोजी जा रही है। मेरा सवाल दूसरा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्विजिशन सपोज करिए 2000 में हुआ, अब उसका पिता चूंकि पढ़ा लिखा नहीं था तो इसलिए उसको मुआवजा सही ढंग से मिला नहीं। अब उसका जब बच्चा बड़ा हुआ, 15-18 साल का हुआ, तब वो एजुकेट होके उसको लगा कि हाँ मुझे मेरे खेत का मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे पिता चूंकि अशिक्षित थे इसलिए वो जा ही नहीं पाए थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 20-25 साल के बाद वो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, तब उसकी क्या स्थिति होगी? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ऐसे केस में कोर्ट एक रीजनेबल आप केस अपने फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखते हैं कि आप नाबालिग थे, आपकी नॉलेज में नहीं था, वो निर्णय जो आया था आपकी नॉलेज में नहीं था, या आप नाबालिग थे या सीनियर सिटीजन थे या आप अनपढ़ थे, तो कोर्ट केस टू केसिस बेसिस पे डिले को कंडोन करे। अभी एक मैटर था, लैंड का ही था, दिल्ली का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1231 दिन डिले कंडोन कर। तो ऐसा नहीं है कोर्ट इसमें कॉन्शियस नहीं है। यदि कोर्ट के सामने आप रीजनेबल फैक्ट्स रखते हैं, आप डे टू डे रीजन अपने एक्सप्लेन करते हैं एप्लीकेशन में, तो आपको कोर्ट से उस बारे में भी रिलीफ मिलता है। तो डिले कंडोनेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई, जहां तक लैंड एक्विजिशन का मामला है, क्या कोई समय निर्धारित किया या 15 साल 20 साल, अगर कोर्ट समझता है तो 20 साल भी डिले कंडोनेंस कर सकता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैंने आपको एक लेटेस्ट केस बताया भी, सुप्रीम कोर्ट का 3-4 महीने पहले का एक जजमेंट है, उसमें उन्होंने 1231 दिन की डिले कंडोन की है। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि सब वो डिले जो है ना 5 साल की करेंगे या 10 साल की करेंगे या 20 साल की करेंगे या 1 साल की करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप भारतीय सभ्य नागरिक हैं, तो आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और जागरूक रहने में यदि को कमी बेशी आती है तो आपको एक रीजनेबल टाइम पे आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए, और वो कंडोनेशन यदि रीजनेबल कॉज है तो कंडोनेशन आपकी जरूर डिले है, कंडोनेशन आपकी जरूर कोर्ट कंसिडर करेंगे और उसको माफ करेंगे, कंडोन करेंगे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी आप जाते हैं और डिले कंडोनेंस कराते हैं, तो आपको एक वाजिब कारण से जाना पड़ता है, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि क्यों इतनी अवधि लग गई। वो चाहे आप बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, या अशिक्षित थे, या अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे, वो कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और कोर्ट ही अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है जिस कोर्ट के सामने आपकी अपील जा रही है, रिट जा रही है, जो भी चीजें जा रही है, वो कोर्ट आपकी रीजनेबल कॉज देखेगी। रीजनेबल कॉज देखेगी तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको आपकी डिले निश्चित रूप से कंडोन होगी। ठीक है सर, अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिस निचली अदालतों में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है इस तरह के निर्धारण को लेकर। आप जानते हैं आर्बिट्रेशन में भी बहुत टाइम लग रहा है, निचली अदालतों में रेफरेंस कराने में भी बड़ा समय लग रहा है। जब इतना बड़ा समय, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। अपनी पीढ़ी के समय जो लोग देखना चाहते थे, 15-15, 20-20 साल निकल रहे हैं। 15 साल में हो सकता है वो अपनी बहन की शादी करता, उससे मकान बनाता, अपने बच्चों को पढ़ाता, लेकिन उस समय तो वो लिटिगेशन में लगा हुआ था। तो कौशिक सर, क्या सलाह देंगे, अगर इतने समय अवधि तक पिटीशनें पेंडिंग पड़ी हैं, तो वो क्या करेगा आम आदमी, आम किसान, आम लैंड धारक? देखिए इसको 2-3 तरह से हमको समझना होगा। पहली बात तो ये है कि यदि जिसकी जमीन एक्वायर हुई है, यदि वो सीनियर सिटीजन है, तो उसको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए रेफरेंस कोर्ट में कि साहब मेरी आयु इतनी है। तो सीनियर सिटीजन के लिए आजकल एक अलग कैटेगरी बना दी है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है, वो हाई कोर्ट में भी है,
वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, आपको अलग कैटेगरी में आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे सुनवाई होती है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यदि आप महिला हैं तो उसमें सीनियर सिटीजन साथ आप महिला का भी प्ली ले सकते हैं। तीसरी बात, आप महिला किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली विडो हैं तो आप उसकी भी प्ली ले सकते हैं। और बात है बाकी ये जहां तक और फोर्थ कैटेगरी है उसमें यदि क्या नाम है कोई यंग आदमी है और उसका मुकदमा काफी समय से स्पेशली लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं फैसला हो रहा है तो उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए। और उनकी एप्लीकेशन रेफरेंस कोर्ट डिसाइड नहीं करती है या फैसला नहीं करती है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट उनको हाईकोर्ट जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, तो यानी कि हाई और हाई कोर्ट से उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मेरा ये कहना है कि निचली अदालत के लिए क्या डायरेक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। यानी कि जल्दी डिस्पोजल के लिए या जल्दी समय से अवधि कि बहुत लंबे समय से खिंच रहा है, आप इसमें डायरेक्शन करें कि जल्द से जल्द सुनवाई करके इसको खत्म करें। परफेक्ट करना, ये जा सकता। कौशिक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी जो लगातार हमें क्वेश्चन आ रहे थे उनके जवाब दिए। इस वीडियो के नीचे लगातार ईमेल और फोन नंबर चल रहा है, फिर भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाते हैं तो कौशिक सर से बात करने के लिए हमें मेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। जो भी असिस्टेंस हो सकेगा, आपकी मदद हो सकेगी, निश्चित रूप से की जाएगी। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला है, जो आप परेशान हैं कि नहीं 15 साल से निचली अदालतों में डिसाइड नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको बैठे नहीं रहना है, अपने अधिकारों को समझिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए और अच्छा सा डायरेक्शन लेके अपनी पिटीशन पर जल्द सुनवाई कराइए। विप्लव जी, अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप बधाई के पात्र हैं कि आप समाज को जागरूक करने के लिए जो वीडियो चलाते हैं आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो इस तरह के कार्य करते थे कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये भी है कि समाज को, समाज के कुछ तबका ऐसा भी है जो हम लोग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है और वकील के फिर नहीं था, कम से कम आपकी वीडियो के माध्यम से वो जागरूक तो होंगे, वो अपने अपना अच्छा बुरा तो देख सकेंगे जिससे उनका उनके मैं उनके मुकदमे में जल्दी निर्णय हो सके, ऐसा मेरा मान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार आम जो किसान हैं उनको राहत दे सकें और आप जैसे जो प्रबुद्ध वकील हैं उनके माध्यम से उनको बेहतर सलाह मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।